हे गाइस, मेरा नाम है विदुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेकर फ्रीक। तो दोस्तों, अभी मैं मुन्नार में हूँ और मेरा आज मुन्नार में सेकंड डे है। तो कल यानी कि फर्स्ट डे को मैंने मुन्नार में क्या किया, कौन से प्लेसेस विजिट की, अगर वो जानना है तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। तो मुन्नार की जो भी प्लेसेस है वो चार पार्ट में डिवाइड है। एक है कोचिन साइड, एक है थेकड़ी साइड, एक है मट्टुपट्टी डैम साइड और एक है कोयम्बटूर साइड। तो कल जो मैंने प्लेसेस दिखाई थी वो सब मट्टुपट्टी डैम साइड की थी, वो आप देख सकते हो। आज मैं आपको थेकड़ी साइड और कोचिन साइड की प्लेसेस दिखाऊंगा। तो आज हमको वाटरफॉल भी देखने को मिलने वाला है और जो क्लाइमेट तो है एकदम खतरनाक है। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ एक पॉइंट पे। यहाँ पे एकदम मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने का ये फ़ायदा है कि ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुन्नार के जो भी प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करने के लिए मैंने स्कूटी हायर की है। तो इसके लिए जो मैंने पे किया वो 500 रुपीज़ पे किया मैंने पर डे। तो अगर आप सोलो हो या फिर दो लोग हो तो स्कूटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और स्कूटी से घूमने का फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी रुक सकते हो, जहाँ भी आपको रुकने का मन करे और कितने टाइम भी रुक सकते हो, जितने टाइम आपका रुकने का मन करे। सबसे पहली प्लेस में आपको दिखा रहा हूँ ये है सिग्नल व्यू पॉइंट। और यहाँ से क्या खतरनाक नज़ारा दिख रहा है यार। जैसे इस साइड का भी दिख रहा है नज़ारा और उस साइड का भी नज़ारा दिख रहा है, मतलब दोनों साइड के व्यू दिख रहे हैं आपको यहाँ से। अब खतरनाक है। और सुबह सुबह जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे, खतरनाक है। नमस्ते, एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम भारी। तो अभी जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ये है फोटो पॉइंट। वैसे तो यहाँ पे सब फोटो पॉइंट है, जहाँ चाहे वहाँ आपका मन करेगा फ़ोटो लेने का। तो ये तो फोटो पॉइंट तो आपका मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था, बट है यहाँ पे फोटो पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है फोटो पॉइंट। यहाँ पर आप खड़े होकर फ़ोटो ले सकते हो, कि यहाँ से व्यू बहुत भारी दिख रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं जहाँ पे रुका हूँ ये है लॉकहार्ट गैप और रॉक केव, मतलब कि ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ के बीच में छोटा सा केव था जहाँ पे हम लोग जा सकते थे और उस प्लेस का नाम है रॉक केव ही। बट लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पे, इसके वजह से वो प्लेस अभी तो दिख नहीं रही है। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुकना ठीक भी नहीं है, काम चल रहा है यहाँ पे रोड का, तो इसमें मैंने हेलमेट भी नहीं निकाला, स्कूटी पे बैठ के ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अगर आप गूगल पे देखोगे ना इमेजेस तो आपको दिख जाएगा तो केव करके। तो मैंने देखा था, सोचा था रहेगा करके, बट लैंडस्लाइड जो हुआ था इसका मुझे इतना पता नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं।
अनारियलकर डैम बोटिंग पॉइंट, अनारियलकर ठीक से बोलने नहीं आ रहा मुझे, नीचे यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा रहेगा, मैंने आप समझ जाना ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री फी है वो 40 रुपीज़ है अडल्ट के लिए और बच्चों के लिए 20 है, और जो टू व्हीलर का पार्किंग है 10 रुपीज़ है। तो मैंने टिकट विकेट ले लिया है, अभी मैं जाता हूँ थोड़ा यहाँ से व्यू देखता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे बोटिंग का क्या सीन है। ओके गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे स्पीड बोटिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ है उसका जो कॉस्ट है एक सिंगल पर्सन के लिए मतलब कोच ज़्यादा है, तो अगर आप ग्रुप में आते तो ठीक है। तो यहाँ पे इनका ग्रुप है, इन्होंने मुझे बोला कि अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप शेयर कर लें हमारे साथ। तो इनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और स्पीड बोटिंग कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम बैठ चुके हैं बोट में और स्पीड बोटिंग मैंने पहले कभी किया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब और इस बोट पे मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते हैं और साथ में एक जो इस बोट को चलाएंगे ठीक है। और इसका चार्जेस है 1000 रुपीज़ फॉर 5%, जो मैं शेयर कर रहा हूँ इनके साथ। थेकड़ी साइड की जितनी भी प्लेसेस थी नज़दीक में मुन्नार के, वो सब मैंने आपको दिखा दी है ठीक है। तो मेरी जो योजना थी उसके अनुसार मुझे मैक्स मैक्स 12 बजे तक यहाँ से निकल जाना है वापस मुन्नार, और मुन्नार से मुझे कोचिन साइड की जो प्लेसेस है वो दिखानी थी। बट अभी बज रहे हैं 11, मतलब 1 घंटा बहुत जल्दी हो गया मेरे से। सुबह जल्दी उठने का, सुबह 6 बजे उठ के प्लेसेस एक्सप्लोर करने का फ़ायदा है। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुन्नार पहुँचता हूँ और मुन्नार से मैं आपको कोचिन साइड की जो प्लेसेस है दिखाता हूँ। तो अभी मैं मुन्नार के एक खूबसूरत गार्डन में चल रहा हूँ, इसका नाम है ब्लॉसम हाइडल पार्क, जो कि मुन्नार से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। तो इसका जो एंट्री फी है वो 40 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ फॉर पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग। तो देखते हैं कैसा है गार्डन। वैसे ये हाइडल पार्क काफ़ी बड़ा है, अगर आप पूरा घूमोगे ना कोना कोना इसका तो आपके 1 घंटे तो चले जाएंगे आराम से। तो वैसे तो मेरे को यह प्लेस आपको दिखानी थी करके मैं आ गया यहाँ पे। अगर आपके साथ बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो उनको ये प्लेस बहुत पसंद आएगी, तो उनके साथ आप आ रहे हो तो उनको यहाँ पे ज़रूर लेके आना। तो अभी जो प्लेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ है अर्थुक्कड़ वाटरफॉल, जो कि जहाँ यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से वाटरफॉल मुझे दिख रहा है। अभी मैं वाटरफॉल के यहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ, यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अभी भी है, यहाँ से भारी व्यू दिख रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया, सोचा यहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा फ़ोटो वीटो ले लेता हूँ। तो ठीक है, अभी चलते हैं वाटरफॉल के यहाँ पे फटाफट। तो गाइस पहुँच गए हम लोग अर्थुक्कड़ वाटरफॉल। ये वाटरफॉल है कि नदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाह कितना मतलब क्या वो खतरनाक एकदम। रास्ता थोड़ा ख़राब है बट कहते हैं ना, जब मंजिल इतनी अच्छी हो तो रास्तों की परवाह क्या करना। आओ यहाँ पे, ज़रूर आओ यहाँ पे, मज़ा आ गया एकदम। तो दोस्तों ये जो वाटरफॉल ये है कालार वाटरफॉल, मुन्नार से नज़दीक ही था 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ। तो अगर आपको ये विज़िट करना है तो कर सकते हो, बट इसके आप नज़दीक नहीं जा सकते हो वहाँ पे, मतलब पहले तो जा रहे आप ही तो बैन हो गया जाना वहाँ पे। तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, नहीं तो आप ये प्लेस स्किप भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं पोठा मेडी व्यू पॉइंट, जो कि सनसेट पॉइंट भी है। तो मैंने सोचा था कि शाम को आऊँगा तो सनसेट देखूंगा, इसलिए इस पॉइंट को मैंने सबसे लास्ट में रखा था।
बट आज का क्लाइमेट तो एकदम माहौल है, क्या बोले अभी, सब जगह क्लाउड्स ही क्लाउड्स है, तो देखने को नहीं मिल रहा। बट कोई बात नहीं, प्लेस दिखाना मेरा काम है, मैं नहीं देख पाया तो आप तो देख सकते हो। यार ये जो है लास्ट पॉइंट है हमारा आज का। इस वीडियो में बस इतना ही। मुन्नार में मैं और एक दिन रुका हूँ, तो मुन्नार का और एक वीडियो आने वाला है और वो वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेसेस में आपको दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन दबाना, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलो चलता हूँ मैं, जल्द मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय फ्रॉम मुन्नार, बाय।